कृष्ण जी की स्मृति में आयोजित इस विशाल जवाबी कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय माता जी के श्री चरणों में मेरा नमन है। श्री राधा कृष्ण समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को हृदय से बहुत बहुत नमन है, वंदन है। और इस कार्यक्रम का विशाल आयोजन आप लोग देख रहे हैं, श्री राधा कृष्ण सेवा समिति के सभी सदस्यों की ओर से है। और आशीर्वाद लेना चाहूंगी परम सम्मान्य आदरणीय, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, यूपी क्या, एमपी क्या, भारत, ये मानिए आप सभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। परम सम्मान्य आदरणीय क्रांति दीदी जी, जीजा जी, सभी से आशीर्वाद ले रही हूँ। हमारे परम सम्मान्य भैया आदित्य भैया जी और हमारे कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी जो बुंदेलखंड से हैं, आप सभी आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और गुरु तुल्य दादा श्री लालचंद दीक्षित जी आप भी यहाँ पर हैं, मैं दादा से भी आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। तमाम श्रोता बंधु और कीर्तनकार बंधु आए हुए हैं, सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं ज्योति कमल कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। हेलो, और प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय पिता श्री श्री ऋषि विशैला जहाँ भी आप हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरुवर दादा श्री राजकमल गुरुपेची जी जो मंच पे मंचासीन हैं और जो एक पिता की तरह मार्गदर्शन मेरा किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये मैं माता रानी से कामना कर रही हूँ। और दादा से भी आशीर्वाद की कामना है। सभी से आशीर्वाद लेते हुए इस सभा में और इस जन समुदाय में तमाम लोग आए हुए हैं, सभी का हृदय से स्वागत है। क्योंकि अगर मैं नाम लूंगी तो नाम की लिस्ट बड़ी लंबी है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए और विशाल दोनों का विषय है, हर्ष का विषय ये है कि दादा हरे कृष्ण जी, पूज्य गुरुवर जी जहां भी होंगे आज ये देख करके बहुत खुश होंगे, कितना भव्य आयोजन कीर्तन से संबंधित किया गया है। क्या बात है, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को, जितने भी लोगों ने, जितने भी सदस्यों ने इस कमेटी के सजाया है। और बहुत बहुत स्वागत है मंच के माध्यम से जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सजाया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे केएस म्यूजिक चैनल परम सम्मान्य, हमारे परम सम्मान्य चाचा श्री संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी बहन कल्पना आजाद जी और एक बहन और है मालती बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है। और परम सम्मान्य बुआ जी भी पधारी हैं, परम सम्मान्य पद्मा बुआ जी बहुत बहुत स्वागत है, मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए चलूंगी सीधे महामाई के चरणों में, क्योंकि कलाकार कोई भी हो पहले उसकी वंदना, जिसकी कृपा से हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत है। क्या बात है। और माँ, अगर हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत है तो हम वो आपको समर्पित कर रहे हैं। भक्त कहने लगा क्या माँ, क्या मन मंदिर में
वो सब कुछ मिलेगा। क्या बात है? और क्या क्या जब तक आप नहीं चाहेंगे माँ तब तक ये हवा चलना क्या, ये रात दिन होना क्या, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या बात है? तो ये उजियारे और अंधियारे सागर के भंवर किनारे तेरे करो
नैनों के दीपक में स्नेह अश्रुओं की धारा और श्रद्धा के सुमनों को शब्द स्वरों में सजाए हुए हैं भैया। मेरे पास श्रद्धा के फूल अगर हैं तो वो स्वर के माध्यम से आपको अर्पण कर रही हूँ माँ। क्या बात है? और मेरे पास है क्या माँ? क्या कार्यक्रम को गति दे रही हूँ। हालांकि विलंब हो चुका है, इसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बार बार प्रणाम करते हुए गावर के श्री चरणों में जय हो। दादा हरिकृष्ण शर्मा जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम है। पूजनीय माता जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए शाबाश बेटा बाबड़िया। तमाम भाई उपस्थित हैं, तमाम बहनें उपस्थित हैं, सभी को एक साथ नमन वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना है। आइए अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले बाबा गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए शाह मंडल प्रणाम कर रही हूँ। मना रहे हैं बाबा गणेश जी को, क्या बात है, किस विशाल अवस्था में किसी प्रकार का विघ्न ना आए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कितनी विषम परिस्थितियों में ये कार्यक्रम चल रहा है कि विघ्न बाधाओं से कोसों दूर रहे ये कार्यक्रम। ऐसी कामना के साथ सभी भक्त बाबा गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, साज और आवाज से हम बच्चे करेंगे। हम चाहेंगे आप भी आप हमारे साथ ये भाव मिला लें, ताकि तमाम भक्त की जब अर्जी बाबा श्री गणेश जी के चरणों में जाएगी तो बाबा शाह मंडल हम बच्चों पर और आप सभी पर कृपा करेंगे और स्वयं आकर बाबा इस मंच पर विराजमान हो जाएंगे। तो कहना है
गणराज तुम्हारी महामहिमा ये नित मस्तक तुमको नवाते रहे। शाबा बेटा उस तरफ उस तरफ। थोड़ा मैन भाई की बेस कर दे। हेलो कि रस रंग करे इतनी विनती विन विन नहीं है हरि ध्यान मोहन के गुण गाते रहे। बाबा प्रणाम है। बाबा गणेश जी के श्री चरणों में जय हो। शाबाश बिटिया शाबाश। जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है अपनी प्रस्तुति के लिए तो सबसे पहले माता सरस्वती के श्री चरणों में चला जाता है, क्योंकि माता की कृपा के बिना न कलाकार है न कलाकारी है। तो कहना है क्या? या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण क्षमारूपेण कृपारूपेण बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हालांकि वंदन गीत में धुन बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ध्वनियां फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसी निकाली है जो किसी वंदना से कम नहीं है। तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? कि कोई पुकारे किसी नाम से शर्मा जी का ये कार्यक्रम रखा गया है जो कीर्तन जगत में एक अलग उपाधि पर है, जिन्हें भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है। तो कहना है माता रानी आज आप स्वयं आए और इस कार्यक्रम को सजाएं। वो जब कार्यक्रम को सजाएं तो कहना है मैया मैया कार्यक्रम तो प्रारंभ मैंने कर दिया, आपका नाम लेकर और पूजनीय दादाजी को याद कर वो जब कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया तो कहना है माँ मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ। आज तन मन धन धन सभी तुमको समर्पित कर तुम नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। तो कहना है माँ जब नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ भवानी, तो कहना केवल इतना है क्या?
हे माता रानी, तुम बच्चे अबोध हैं, नादान हैं, तो कहना क्या हजारों भक्त खड़े हैं, तो मैं ना